वैश्य किसे कहते हैं, शूद्र किसे कहते हैं। गीता पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा 18वें अध्याय में 9 लक्षण ब्राह्मणों के, 9 गुण हो सो ब्राह्मण, 7 गुण हो सो क्षत्रिय, 3 गुण हो सो वैश्य, और 1 ही गुण हो शूद्र। 1 गुण में भी जिसको पूर्ण मान्यता है वो सेवक है। और सेवक हनुमान गुरु है कि सेवक है, बोलो, सेवक है ना। अच्छा, किसी ने सुना कि भगवान के मुख से कुछ निकला और उसकी पूजा हुई? नहीं। गंगा कहां से निकलती है? कहां से निकली गंगा? ये सोनभद्र वाले बड़े चालाक हैं, सोचते महाराज कुछ और न कह दे इसलिए बोलते ही नहीं। जिस समय भगवान त्रिविक्रम 52 भगवान ने बलि के यहां जाकर के जब 3 पग पृथ्वी की याचना की थी और भगवान ने 1 ही चरण से ब्रह्मांड भेदन करके ऊपर के 7 लोक नाप लिए। ऊपर के लोक हैं अतल वितल सुतल अतल आतल भू भुवा स्वा महाजना तपा सत्य, ऊपर के 7 लोक। नीचे के 7 लोक हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। 1 चरण से ऊपर के 7 लोक जब नापे और भगवान का चरण ब्रह्मांड विवर को भेद करके जब सत्य लोक ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचा और ब्रह्मा जी गदगद हो गए कि कृष्ण का चरण आया है, कमंडल के जल से उन्होंने तुरंत प्रभु का पाद प्रक्षालन कर लिया और उसी का नाम गंगा मैया है। और आज गंगा के अवतरण का दिवस है, इसीलिए 1-2 मिनट के लिए चरणों से निकली गंगा प्यार सब गाइए। निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली, सब गाएं सब बोले गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरत गाऊं, बिहारी तेरी आरत गाऊं, आरत गाऊं मैं, आरत गाऊं। आहा, खुला कर देते हैं गंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी माँ है? गंगा इतने सस्ते में नीचे नहीं उतरी है। 4 पीढ़ियों ने प्राण पूरे हैं तब गंगा ने धरती को स्पर्श किया है। महाराज सगर के 7,000 बेटे गंगा सागर में कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, तब उनके दूसरे पुत्र असमंजस ने अपने भाइयों को खोजा। मुनि के आगे प्रार्थना की, कपिल भगवान ने कहा मर तो गए हैं, मुझे मारने को दौड़े थे, कह रहे थे घोड़ा चोर यही है, यज्ञ का घोड़ा इसी ने चुराया, ये मौनी बैठा मारो मारो मारो। ये जब कपिल की ओर 60,000 दौड़े तब कपिल ने हुंकार भरी भस्म हो जाओ, और 60,000 रास्ती ढेर हो गए। असमंजस ढूंढता हुआ जाता है और अपने भाई कैसे मरे हैं वो बाबा से पूछता है। बाबा कहते हैं कि मेरे श्राप से सब भस्म हुए, लेकिन मैं इनके उद्धार का जतन कहता हूं। बेटा तुम्हें गंगा को लाना पड़ेगा। कहा बाबा गंगा है कहां? कहा गंगा स्वर्ग से ऊपर बसती है, स्वर्ग से ऊपर है सत्यलोक, सत्यलोक में ब्रह्मा जी का निवास और गंगा उनके कमंडल में है, ब्रह्मा की उपासना करो। महाराज सगर के पुत्र असमंजस ने गंगा की तपस्या की, गंगा को लाने के लिए ब्रह्म देवता की तपस्या। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, रिकॉर्डिंग हो
लेकिन आगे बात नहीं बढ़ सकी तब तक उम्र पूरी हो गई। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, ये तीन पीढ़ियां तपस्या करते ही रहे और गंगा नहीं मिली, धरती पर गंगा नहीं थी। चौथी पीढ़ी जब भगीरथ आया, ओहो, अरे भगीरथ ने जब तपस्या की है, तीन पीढ़ी मर चुकी थी, चौथी पीढ़ी ने तपस्या की, तब ब्रह्मा के कमंडल से मुक्त हुई गंगा ने कहा, बेटा मैं तेरी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, मैं मृत्यु लोक में आना नहीं चाहती थी, लेकिन तूने भजन करने की हद कर दी, इसलिए आऊंगी, परंतु भगीरथ मैं उतरूंगी तो मेरे बैग को धारेगा कौन, कौन संभालेगा मुझे। तब भगीरथ असमंजस में हुए कि मैं किसको कहूं, कौन संभाल सकता है। गुरुदेव ने कहा, भगवान महादेव को प्रार्थना करो, और भगवान महादेव को प्रार्थना की, भगीरथ ने उनकी तपस्या की, महादेव प्रसन्न हुए, बेटा क्या चाहते हो। बोले, बाबा गंगा मैया आकाश से उतरने वाली है, वो कहती है मैं कहां उतरूं, जहां उतरूंगी उस भूभाग को रसातल ले जाऊंगी, मैं क्या करूं। तो भोले बाबा ने कहा, जाओ गंगा को कह दो जो मेरे जटा में उतर जाए। तो भगीरथ ने फिर गंगा माँ को कहा कि माँ हिमालय का जोगी भगवान महादेव वो कहते हैं मेरी जटा में उतार लूंगा। तो गंगा ने कहा, जाओ उसको कह दें